तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इस बारे में कि अगर एज अ फाउंडर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और वो तीन चीज़ें क्या हैं, अगर आप अवेयरनेस रखते हैं जो मैंने पहले डिस्कस किया था, तो आपको पता है कि ये तीन चीज़ें क्या हैं। मतलब ये नॉर्मल तीन चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, बट हाँ यही तीन चीज़ें समझने में काफ़ी समय लग जाता है लोगों को। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें आप डील करने वाले हैं, आपको उसका टारगेट मार्केट आपने एक बार डिसाइड कर लिया, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट आपसे क्यों लेगा? क्या आप उसको ज़्यादा वैल्यू एडिशन दे रहे हैं? आपके प्रोडक्ट या सर्विस में ज़्यादा फीचर्स हैं? क्या आपकी प्राइसिंग कम है? तो वो एक फैक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी हो, कि आपकी प्राइसिंग भी ऑप्टिमल हो, फीचर्स भी ज़्यादा हो, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी बेटर हो। बट वो कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं जो अप फ्रंट परसेप्शन बिल्ड करने में हेल्प कर सकती हैं? वो ये हो सकती है कि जब भी आप कस्टमर से या प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो आप प्रोसेस के बारे में उन्हें पूरी क्लैरिटी दें कि किस तरह से उनका काम या उनका प्रोडक्ट अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो किस तरह से इस प्रोडक्ट के को उनको यूज़ करना है, और अगर आप सर्विस डिलीवर कर रहे हैं तो सर्विस किस तरह से डिलीवर होने वाली है। उसके बाद आप उनको ये भी बताएं कि अगर उनको कोई चैलेंज आता है इस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ करने में, तो किस तरह से आप उनकी हेल्प करेंगे, है ना। तो इससे कंफर्ट बिल्ड होता है, और सारा का सारा जो खेल है बिजनेस में वो परसेप्शन का है। तो आपकी सेल्स मार्केटिंग इस अराउंड ही होनी चाहिए कि आप अपनी सेल्स टीम को या अपनी मार्केटिंग टीम को ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दें कि आपकी जो भी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे हो, या आपकी जो भी सेल कॉल्स के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग या किसी भी सोशल मीडिया मैकेनिज्म से हो रही है आपकी सेल, तो उसमें ये मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज़ हो गई ये, राइट। तो आपको अपना सेल्स मार्केटिंग एज पर योर प्रोडक्ट सर्विस जो आपने टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई की है, उसको किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करेंगे, ये आपको सॉर्ट करना है सबसे पहले। दूसरी चीज़ जो आपको सॉर्ट करनी है वो ये है कि आपको ये देखना है कि किस तरह से कंटिन्यूअसली आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती रहे। अब वो कंटिन्यूअस ब्रांड बिल्डिंग कैसे होती है, वो कोई ये नहीं कि ऑटोमेटिक कुछ हो जाएगा। आपको पहले से ये डिसाइड करना है कि किस तरह से आप अपनी ऑफरिंग्स को, अपनी सर्विस को, अपने हैप्पी कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स को और अपनी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जो नॉलेज है उसको कैसे स्प्रेड करेंगे, और कैसे अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग करेंगे, और कैसे अवेयरनेस देते रहेंगे कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये एक बार का काम नहीं है। प्रोडक्ट भी इवॉल्व होता है, मार्केट भी इवॉल्व होती है, यूज़र का टेस्ट भी इवॉल्व होता है, तो अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में आपको अपग्रेड्स अपडेट्स करते रहना चाहिए रेगुलरली, और ये सब आपको कंटिन्यूअसली कस्टमर तक पहुंचाना होता है। और वो आप कैसे पहुंचा सकते हैं, जब आप वीडियोस बनाएंगे, आप कुछ ब्लॉग्स लिखेंगे, आप कंटेंट बनाएंगे, उस कंटेंट को अच्छे से अक्रॉस मीडियम्स शेयर करेंगे, है ना। तो ये सेकंड पिलर है आपके बिजनेस का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में अगर बिजनेस को सर्वाइव नहीं करना, ग्रो करना है, राइट, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और तीसरी चीज़ जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस की कंप्लायंस, उसके कैश फ्लोज और उनके अन्य एस्पेक्ट्स को, जैसे कि आपकी डेली क्या सेल हो रही है, आपका डेली का क्या खर्चा है, वेरिएबल एक्सपेंस कितना है, फिक्स्ड एक्सपेंस कितना है, आपका ब्रेक इवन कितने पे बनता है, आपका सैलरी एडमिन कॉस्ट कितना है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना है, ट्रैवल कॉस्ट कितना है, ये सब चीज़ें डे वन से ही आपको अच्छे से मैनेज करके चलनी है, क्योंकि बिजनेस करने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप अच्छे से अपना हिसाब किताब नहीं रखते, राइट। अब ये तीन चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जब शुरुआत की थी तो चैलेंजेस डेफिनेटली हमें भी आए थे, बट क्योंकि उस पाथ पे हम चल रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को हम ले चुके हैं और कंटिन्यूअसली ले रहे हैं उस एक्सपीरियंस को, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि आपको एज अ फाउंडर इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। तो उन प्रॉब्लम्स से आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजिकली प्रोडक्ट या सर्विस ऑफरिंग को आप लॉन्च कर सकते हैं, अपनी सेल्स मार्केटिंग फनल्स को, पिचेस को बना सकते हैं, अपने कंटेंट को, अपने ब्रांडिंग को बना सकते हैं, साथ ही साथ किस तरह से आप कंटिन्यूअसली अपना जो भी फाइनेंस, टैक्सेशन, कंप्लायंस वाला एस्पेक्ट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी चाहिए हो हमारे से, यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट अ स्टार्टअप फाउंडर, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम फाउंडर्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें कि वो अपना बिजनेस सेटअप करें और स्ट्रेटेजिकली उनकी ग्रोथ में हम उनको हेल्प करें। तो होप आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि क्या तीन पिलर्स हैं, कि आपकी टारगेट मार्केट जो आपने आइडेंटिफाई की है, उस टारगेट मार्केट को किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताना है, और
उनको प्रॉपरली सेटिस्फाई करके अच्छे से सर्विस या अच्छे से प्रोडक्ट डिलीवर करके रिपीटेबल कस्टमर बनाना है और अपनी कंटिन्यूअस ब्रांडिंग मेंटेन करके और एडिशनल कस्टमर्स लेके आने हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स को यूज़ करना है, साथ ही साथ किस तरह से आपको जो भी आप सारी चीज़ें कर रहे हैं उसको आपको अकाउंटिंग, चाहे आप जोहो क्लाउड यूज़ करें, चाहे टैली यूज़ करें, मार्ग यूज़ करें, बिजी यूज़ करें, ये सब चीज़ें हम बहुत सारे स्टार्टअप्स की ऑलरेडी हैंडल भी करते हैं। तो आपको भी अगर इसमें हेल्प या सपोर्ट की कोई ज़रूरत हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, बिकॉज किसका क्या TDS कटना है, किस रेट पे GST लगना है, कैसे फाइलिंग्स होनी है, ये अपने आप में ही ना एक अलग दुनिया है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में खुद ही पड़ जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो बेटर क्या है कि आप एक ऐसे प्रोफेशनल की सपोर्ट लें जो इसको प्रैक्टिकली समझता हो और लीगली आपको कंप्लायंट रखने में हेल्प कर सके, राइट? तो आप किसी भी अच्छे प्रोफेशनल को रीच आउट करें जो आपकी इन सब चीज़ों में भी हेल्प कर सकता है, या स्पेसिफिक ईच फिलर के लिए एक अच्छा प्रोफेशनल रखें। डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, आप किस स्टेज में हैं। अगर आप एक ग्रोइंग बिजनेस हैं, आप ऐसी स्टेज पे हैं कि आप बहुत अच्छा सा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में आप अलग अलग प्रोफेशनल्स को भी बियर कर सकते हैं उनकी कॉस्ट भी। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं तो आपको एक स्टार्टअप कंसल्टेंट ऐसा चाहिए जो इन सब एस्पेक्ट्स में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है? तो डिसीजन आपका है, बट आपको इन तीन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना है अगर आपको स्टार्टअप करना है। नमस्कार, मैं इन बढ़ेरा की ओर से।